स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस पावर, तो रिलायंस पावर के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर स्पेनिश स्टॉक तो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, क्या उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखूं तो यहाँ पे लंबा जर्नी के हिसाब से एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा क्या बना, हैंडल बना। तो काफी हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और जब इस तरीके से हायर लेवल में कंफर्मेशन होता है तब एक बार वो रिटेस्ट जरूर करता है, तो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से वो बाउंस बैक किया और यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे काफी हैंडल पैटर्न जो बना तो उसका टारगेट किस तरीके से निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो कप का साइज है उसी कप का साइज को अगर मार्किंग करके ऊपर बिठा देंगे तो यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। तो टारगेट निकल के कहाँ पर आया, जो निकल कर रहा है करीबन 40 रुपीज के आसपास, 40 रुपीज के आसपास, और जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन 62% के आसपास। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जो शानदार तरीके से आपको टारगेट दिख रहा है, क्या इस टारगेट को मैं फॉलोअप करके चलूंगा? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर इतना शानदार पैटर्न जो बना, जिस पैटर्न को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, तो उस पैटर्न को भी मैं फॉलोअप नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, पहले बता दूं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए रिलायंस पावर जो है वो मान लेता हूं एक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, और इसी इस कंपनी के बेसिकली बिजनेस क्या है, थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो थर्मल पावर के ऊपर कंपनी का सबसे ज्यादा काम होता है, मतलब कोयला के माध्यम से कोयला को जलाकर जो पावर जनरेट किया जाता है तो उसी के ऊपर काम होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा 70% से भी ज्यादा जो अभी भी पावर जनरेट किया जाता है वो थर्मल पावर के माध्यम से। तो क्या इस कंपनी अभी इतना बड़ा लॉसेस में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या थर्मल पावर बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया? बिल्कुल नहीं, थर्मल पावर इतना जल्द से जल्द बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर थर्मल पावर बंद हो गया तो सारे कंट्रीज में, मतलब पूरा के पूरा कंट्रीज में पावर का जो शॉर्टेज होगा वो बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए क्राइसिस देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पावर क्या रिलायंस पावर के बेकार कंपनी है? देखिए रिलायंस पावर का हालत बहुत खराब है, क्योंकि इस कंपनी आप सभी जानते हैं जो धीरूभाई अंबानी जी के दो बेटे हैं, आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी का कंपनी है रिलायंस पावर, तो उनकी तो बिजनेस पूरा का पूरा, मतलब सारे कंपनीज तो बर्बाद हो गए, सिर्फ यही कंपनी टिके हुए हैं और फिर भी लॉसेस में है। तो कितना लॉसेस में है चलो वो बता देता हूँ। देखिए कंपनी के सेल्स देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में कुछ खासियत देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी के सेल्स में कमियां है और एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक लॉसेस झेलना पड़ा। देखिए लॉसेस उतना नहीं हो रहा था, मगर कंपनी इतना ज्यादा लोन लिया जिसके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा कर्जा मिटाना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ा। तो कितना लोन लिया, कंपनी के लोन का जो कैप परसेंटेज है आप देख सकते हैं, डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.60% के आसपास। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 20,000 करोड़ का कंपनी लोन लेके रखा है, एक बहुत बड़ा खतरनाक सिचुएशन में कंपनी है। तो इसी के कारण कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा बिग बिग लॉसेस कर रहा है, और इस बार कंपनी हाईएस्ट लॉसेस की है, और जिसके चलते है मैंने पहले बोल चुका हूँ जो पैटर्न यहाँ पे बना है इस पैटर्न को मैं फॉलोअप नहीं करूंगा, ये पैटर्न के ऊपर कोई भी काम नहीं करूंगा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट्स किया था, सर इस तरीके से कुछ पैटर्न बना है क्या सही में इस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन लेंगे? मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो सिचुएशन बना वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर अगर एक दो क्वार्टर्स में लॉस होता और छोटा मोटा अगर प्रॉफिट करता तो मैं कुछ डिसीजन लेता, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा, कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी की इस बार हाइस्ट लॉसेस देखने को मिले, और जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर अभी वेरी, मतलब बुलिश नहीं हूँ, वेरी सू। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं एमपी पावर जो मैनेजमेंट प्लांट है उसके ऊपर 35% के आसपास बिजनेस हो रहा है, और बाकी उत्तर प्रदेश में कंपनी का जो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 60% कंपनी का बिजनेस आ रहा है, और कंपनी का टोटल जो पावर प्रोजेक्ट है उनमें से कोल के माध्यम से कंपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहा है 96 करोड़, 96% के आसपास, और मतलब थर्मल पावर के ऊपर 96% और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर छोटे मोटे काम कर रहे हैं 3% के आसपास। तो बिजनेस फिर से खड़ा हो सकते हैं अगर कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाए तो।
तो आपके क्या राय है इस कंपनी का वो जरूर कमेंट्स करना, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्प्स। देखिए कैम्प्स के ऊपर मैं पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था और मुझे एक दोस्तों ने अच्छा खासा कमेंट्स किया। उन्होंने कहा सर कैम्प्स बहुत स्लो कंपनी है और बहुत टाइम लगाते हैं कंपनी रिटर्न देने में। देखिए मार्केट में आपको हमेशा इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप जब भी बाय करेंगे वहां से ही वो रॉकेट बनेगा, ऐसे होगा नहीं। अगर ऐसे होता तो हर कोई व्यक्ति आज जॉब नहीं करता, वो बिजनेस भी नहीं करते। आज रिलायंस, टाटा, अदानी, अंबानी, कोई किसी को बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। वो तो इतना हाथ में पैसा है तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे डाल देते और यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल जाता दुगना, चार गुना, पांच गुना, दस गुना, तो वो क्यों इतना मेहनत क्यों करता, इतने एम्प्लॉय रखने का जरूरत भी नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि मार्केट चलते हैं मार्केट के सप्लाई और डिमांड के ऊपर, तो सप्लाई और डिमांड के डिपेंड करके ही मार्केट चलते हैं, मतलब बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करके ही मार्केट चलते हैं। तो जो कंपनी का बिजनेस है उसको आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस अगर सही है तो आज कितना भी स्लो में चले एक ना एक दिन वो अच्छा खासा धमाका आपको दिखाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ ये भी कमेंट्स किया गया, इस कंपनी के ऊपर एक फ्रॉड केस है। देखिए कोई भी एक कंपनी को पकड़ लीजिए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इंफोसिस हो, सारे कंपनीज के अंदर कोई ना कोई छोटे मोटे फ्रॉड केस तो रहेंगे ही, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपको इस तरीके से सिचुएशन आपको बहुत बार झेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी बहुत सारे फ्रॉड केस, कोर्ट केस के ऊपर भी अभी भी कंटिन्यू उस खुद के बिजनेस को चला रहा है। क्योंकि इस तरीके से बिजनेस करने में कभी कभी दिक्कत तो आएगा, बहुत सारे चीज़ों को सामना उसको करना पड़ता है। तो फिर भी कैम्प्स एक छोटा सा कंपनी है और इसका बिजनेस मोनोपोली जैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। अगर इस कंपनी के बारे में एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के जो मार्केट शेयर है उसमें आप एक चीज नोटिस करना, कंपनी 69% म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्स है और उसमें मार्केट शेयर कितना है 69% है। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदारी कर रहे हैं उसके बाद उस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो इसका जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन का पूरा कम्पीट कौन कराएगा, म्यूचुअल फंड कराएंगे। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है इस कंपनी के ऊपर। और साथ ही साथ इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको अगर देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कभी भी आपको सेल्स में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखे 74 से 72, 71 और आज 86। तो इतने छोटे स्मॉल कैप कंपनी भी खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए कितना भरोसा करते हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, सॉरी प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेच दिया, उसका डायरेक्टली फायदा FSDS और पब्लिक ने उठाया। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर दो तरीके से एंट्री बना था। पहले एंट्री कहाँ पे बना, पहले एंट्री बना कुछ इस तरीके से, जो बना एक काफी ठंडे पैटर्न्स के हिसाब से, तो यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर भी गया और टारगेट के नजदीक से वापस आया। तो टारगेट कहाँ तक है फर्स्ट एंट्री का, वो 3350 के आसपास है, जो 24% के आसपास टारगेट निकल कर है। सेकेंड एंट्री किस तरीके से बना, सेकेंड एंट्री यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया। और इसका जो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ वो लाइफ टाइम हाई जो है उसी के नीचे, तो लाइफ टाइम हाई के नीचे कोई भी टारगेट बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी देखिए मार्केट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी मैं एंट्री लूंगा तभी वो रॉकेट की तरह भागेगा। तो जो लोगों को पेशेंस है तो वो लोग काम करिए, जो लोगों को पेशेंस नहीं है तो वो आपके हिसाब से जरूर कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कहीं किसी कंपनी के ऊपर किसी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि काम करना है तो हर किसी के खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए। ये मेरा काम है सारी चीज़ों को आपको आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है RBNL, जिसके ऊपर एक में बहुत बुली सिचुएशन मुझे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने एक रिसेंटली MOU साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक किया है। तो MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरा का पूरा कंपनी के साथ, दो कंपनी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैं इस तरीके से काम मैं आपको इस टाइम के अंदर इस अमाउंट के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो इस तरीके से कुछ टाई अप होते हैं तो उसको कहा जाता है MOU। तो एक मतलब चुक्ति पत्र साइन किया जाता है, तो उसको साइन करने के बाद काम उसको स्टार्ट वो कर सकते हैं। तो RBNL के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते मैं RBNL के ऊपर बुलिश हूँ। और मुझे टेक्निकली चार्ट पढ़ने के बेसिस में मुझे उतना खास ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग सिचुएशन देखने को मिला वो मुझे लग रहा है और भी एक गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
मान लेता हूं यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज को, मगर उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं है, तो इसका मतलब फॉलिंग सिचुएशन और भी देखने को मिल सकता है। और इसका जो 200 रुपीज के जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट तक आने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।